हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गन के इंट्रोडक्शन, उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन और जो एक बीम प्रोड्यूस होती है उससे उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाए तो क्या होता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाए तो फिर क्या होता है। तो ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गन से। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है एक गन के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, गन क्या करती है। गन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो बुलेट को काफी हद तक स्ट्रेट फायर करती है और इसके अलावा काफी हाई स्पीड के साथ उसको सेंड करती है। हाँ, हम ये मानते हैं कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, लेकिन एक लॉन्ग डिस्टेंस तक वो स्ट्रेट फायर करती है बुलेट, और उसके अलावा काफी हाई स्पीड से। तो इलेक्ट्रॉन की एक हाई स्पीड और स्ट्रेट बीम प्रोड्यूस करने के लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गन है। इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी? हम जब इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो वहां पर हमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से हम ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गन इज अ डिवाइस विच हेल्प्स टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन बीम की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसका काम क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एक फाइन बीम प्रोड्यूस करना, फिर उस बीम को हम यूज करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन इसका। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गन है क्या, किस तरह से काम करती है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। ये तो देख लिया कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से और स्ट्रेट मूव कराती है, जिस तरह इसीलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रॉन गन। ओके, इसकी कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। टंगस्टन एक मेटल का नाम है। स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी तरह का फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना हुआ। नंबर टू, 6 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए और हाई पॉजिटिव पोटेंशियल चाहिए, ये तकरीबन 1000s में होना चाहिए, और उसके अलावा एक सिलेंड्रिकल एनोड होता है, लास्ट में एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहां पर हमारे पास इसकी डायग्राम है, अब हम डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ये फिलामेंट है, फिलामेंट को हमने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये आपको जो नजर आ रही है ये हाई वोल्टेज है जो कि तकरीबन 1000+ में होते हैं, कम से कम 1000 होते हैं, इसकी वैल्यू 1000s में होती है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सिलेंड्रिकल एनोड है, ये इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया है। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और कंडक्टर होता है, इसको हमने बैटरी के हाई पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, ये जो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है बैटरी का। ओके, अब होता क्या है, किस तरह से ये काम करती है, हम जानते हैं कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं थर्मियोनिक एमिशन को, कि अगर हम टंगस्टन के फिलामेंट को 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दें और उसमें से 0.3 एम्पीयर करंट पास करेगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल सकते हैं। तो यहां पर भी हमने ऐसा ही एक फिलामेंट यूज किया है टंगस्टन का, जिसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये हीट अप हो जाएगा और इसकी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं थर्मियोनिक इमिशन क्या होती है, कि जब मेटल को हीट दी जाती है तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये फिलामेंट से जब करंट पास करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि करंट का एक इफेक्ट होता है हीट प्रोड्यूस करना, उससे ये गर्म हो जाता है, इसकी मेटल सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन ना तो एक प्रॉपर एक बीम में आ रहे, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे, दूसरा इनकी स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है तो हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन गन की जरूरत पड़ी। फिर क्या किया गया, हमने एक इसके सामने सिलेंड्रिकल एनोड रखा और सिलेंड्रिकल एनोड को एक हाई वोल्टेज से उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है इससे कनेक्ट कर दिया। अब इसका पर्पस क्या है, हमने क्यों पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से इसको कनेक्ट किया? डियर स्टूडेंट्स,
हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे पहले हमने कूलम लॉ पढ़ा था, कूलम लॉ अगर आपको याद हो तो उसके अंदर जो फोर्स है एफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, ये दो चार्ज हैं एक क्यू वन एक क्यू टू, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे फिर हमें फोर्स मिलती है। तो अगर चार्जेस क्वांटिटी में काफी लार्ज होंगे तो इससे फिर जो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा होगी। ये हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको हाई पॉजिटिव पोटेंशियल देने का मकसद यह था कि ज्यादा स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन को यह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। यहां पर इसके होल होता है, इलेक्ट्रॉन स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन यहां प्रोड्यूस हुए स्पीड से इसकी तरफ फ्लो करते हैं, इसकी तरफ मूव करते हुए जाते हैं और यहां इस होल से बाहर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहे होते हैं। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन गन ने क्या किया, एक तो इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप किया, उनको एक्सेलरेट किया और दूसरा एक बीम की सूरत में बाहर निकाला। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन गन जो है इसको गन हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को स्टेट और हाई वेलोसिटी के साथ ये थ्रो कर रही है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करना है, इस सारे सेटअप को हम एयर के अंदर नहीं रख सकते, एयर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो नहीं कर सकते। तो ये सारे का सारा सेटअप जो है वो एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर, जिसका हमने लास्ट में जिक्र किया था, एक ग्लास ट्यूब होती है उसके अंदर इंक्लोज होता है। तो एक इवैक्यूएटेड यानी ऐसी ट्यूब जिसमें से वैक्यूम हो, उसमें से हमने सारी एयर बाहर निकाल ली हो, उसके अंदर इसको फिट किया जाता है तो इसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक इलेक्ट्रॉन गन का। एक बार आपको फिर बता देता हूं इलेक्ट्रॉन गन की वर्किंग कैसे काम करती है। इलेक्ट्रॉन गन ये एक फिलामेंट है जिसको 6 वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये, क्योंकि करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट से क्या होगी, ये मेटल हॉट हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जब किसी मेटल को हीट दी जाती है तो उसकी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो गए, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो लो होती है। हमने क्या किया, इसके सामने एक सिलेंड्रिकल एनोड जो कि कंडक्टर मटेरियल का बना होता है, यहां पर होल होता है, उसको एक हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने की वजह से ही हम इसको एनोड कहते हैं, दिस इज एनोड। ओके, अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो आपको नजर आ रहे हैं डॉट्स की फॉर्म में, ये इस पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ स्पीड से आते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और इस होल से बाहर की तरफ आ जाते हैं। इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉन गन है हाई स्पीड से और एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम प्रोड्यूस कर रही है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। अब हमने इलेक्ट्रॉन गन में से एक बीम तो प्रोड्यूस कर ली, अब हमने उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी बीम की क्या प्रॉपर्टीज है। उसके लिए हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे और फिर देखेंगे कि इसके ऊपर क्या कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, आप ये सपोज कर लेंगे यहां पर ये हमारे पास वो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर फिट है ये इलेक्ट्रॉन गन और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रही है। आपने क्या करना है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, दो प्लेट्स हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आपको नजर आ रही होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मैं इसको इस डायरेक्शन में शो कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करती है बीम तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड कर जाती है। अब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड कर जाने से हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या नतीजा निकला इससे। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर गुजरी, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, अब नेगेटिवली चार्ज प्लेट से ये रिपेल होकर ऊपर गया और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट हो गया। इससे ये बात पता चली कि इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो बीम आ रही है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह हमने जो इस इलेक्ट्रॉन गन से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस की थी, हम उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए हम इसके बारे में दो तीन मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे। उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम खुद से अपनी वर्डिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। सबसे पहले क्या, डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो किस तरह से डिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव साइड। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब दूसरा अहम पॉइंट, ये बात याद रखें, डिफ्लेक्शन तो हुई है, यहां से ये इस तरफ को बेंड हुआ, लेकिन थोड़ा बेंड होगा या ज्यादा बेंड होगा ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है यहां पर तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बेंड होगी, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है तो ज्यादा बेंड होगी। अब इसके ऊपर आपने ये भी देखना है कि कौन सी फोर्स बेसिकली एक्ट कर रही है। उस फोर्स का फॉर्मूला है इक्वल टू क्यू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो बीम पास कर रही है कौन सी फोर्स फील करती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर क्यू जो है ये चार्ज है जो इसमें से फ्लो कर रहा है, और जो हमारे पास ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रही है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये हमने इसके क्या रिजल्ट निकाला कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से पास की तो वो पॉजिटिव की तरफ बेंड की। रिजल्ट उससे ये निकला कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये जो एक पार्टिकल्स आ रहे हैं इस तरह से, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ बेंड किए हैं इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव साइड। ओके, इसी तरह अब हमने फर्दर इसको स्टडी करना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ये मूव करता है, कोई इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, कुछ डिफ्लेक्शन होती है या नहीं होती। तो उस पर्पस के लिए क्या किया गया, अब हमने एक हार्शू मैग्नेट लिया, इसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और जो साउथ पोल है वो इससे नीचे है। आप यूं समझ लें कि ऐसा है मैग्नेट, और इसके दरमियान इस तरह से हमने एक इसको रख दिया, ये जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब है ये वाली जिसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है, ये यहां से इस तरफ से यूं आ रही है, इधर बैंड कर गई। अब ये इस तरह से हमने इसको रखा हुआ, आप देख सकते हैं ऐसे, ये हार्शू मैग्नेट ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इस तरह से उसके अंदर रखा हुआ। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, क्योंकि ये हार्शू मैग्नेट है, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरह से, और इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये इस तरह पड़ी हुई है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रही है। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इस वक्त, और आप देखेंगे कि इसमें से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है ना तो वो साउथ की तरफ बेंड होगी ना ही वो नॉर्थ की तरफ बेंड होगी, बल्कि वो इस तरफ को राइट के लेफ्ट बेंड हो जाएगी। हमारा जो नॉर्थ है वो अपसाइड है, साउथ डाउनवर्ड, लेकिन जो डिफ्लेक्शन हुई इसके अंदर वो राइट साइड पर हो गई। ये आप देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव साइड की तरफ बेंड किया था, यानी लेट सपोज अगर ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ बेंड की थी, लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं अब अपसाइड नॉर्थ है और डाउन साइड साउथ है, ना तो ये अप मूव करती है ना ये डाउन मूव करती है, यानी ना नॉर्थ की तरफ ना साउथ की तरफ, बल्कि वो एक तरफ को डिफ्लेक्शन शो कर देती है, इस तरफ को बेंड कर जाती है। ओके, अब दूसरा पॉइंट, हमने जब इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो रिवर्स कर दी कि साउथ को ऊपर कर दिया और नॉर्थ को नीचे, तो उससे क्या हुआ, पहले वो राइट साइड पर अगर डिफ्लेक्ट हुआ था फर्ज कर लें तो अब वो लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अब एक और पॉइंट कि इतनी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं डिफ्लेक्ट होके, हमें तो नजर नहीं आ सकती, इस तरह बहुत छोटे हैं पार्टिकल्स, कैसे नजर आएगी? तो इसके लिए हम एक स्क्रीन यूज करते हैं, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। इसमें से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है इसके सामने फ्लोरिसेंट स्क्रीन रखी होती है, जब इलेक्ट्रॉन जाके फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर टकराता है तो वहां छोटा सा स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ या चिंगारी निकली वहां से, तो आइडिया हुआ कि यहां जाके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकरा रही है।
अब जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने एक्चुअल पॉइंट से इस तरफ को डिफ्लेक्ट हुई, यानी एक्चुअल पॉइंट से बेंड हो गई, इस तरफ हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। उस पॉइंट की जहां पे स्पार्किंग हो रही थी वो थोड़ा साइड पे हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब उसकी डायरेक्शन चेंज की, साउथ को नॉर्थ और नॉर्थ को साउथ से रिप्लेस कर दिया, तो फिर दोबारा से आप वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही थी वो अपनी डिफ्लेक्शन चेंज कर देगी, जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर जो स्पॉट बना था वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, लोकेशन चेंज कर लेगा। तो याद रखें, हम जो इसको देखते हैं कि ये किस तरफ को बेंड की है, इसके सामने हमने एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन रखी होती है। ये ऐसी स्क्रीन होती है कि जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर टकराते हैं तो वहां स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता चल जाता है कि बेसिकली अभी यहां पर आके बीम जो है वो टकरा रही है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन गन को डिस्कस कर लिया, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस किया कि किस तरह से बिहेव करती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और किस तरह बिहेव करती है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।